नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा न्यूज सामने आ रहा है शाहरुख सर की फिल्म को लेके। एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट सामने आ रहा है। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट में बताया गया शाहरुख सर की फिल्म की रिलीज, कौन से डायरेक्टर के साथ शाहरुख खान काम करने वाले हैं। तो रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि शाहरुख खान फाइनली राजकुमारी रानी की फिल्म को ओके कर चुके हैं। ये फिल्म अगले साल रिलीज हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को रिपोर्ट में पढ़ के सुना देता हूँ। ये सोर्स क्लोज टू बॉलीवुड हंगामा रिवील्स द सेम एज द टॉक्स अबाउट हिज प्रोजेक्ट बिगेन अर्लियर दिस ईयर। शाहरुख खान हैज ओकेड फिल्म मेकर राजकुमारी रानी इज नेक्स्ट। दिस सीम्स टू बी ए ह्यूज प्रोजेक्ट एंड सेट्स विल बी माउंटेड बाई अप्रैल और मे 2020। फॉलोइंग दिस द मेकर्स आर लुकिंग फॉर 2021 रिलीज फॉर द फिल्म। एज ऑफ नाउ द कास्ट एंड द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म इज कीप्ड अंडर वर्क। मतलब शाहरुख सर की फिल्म फाइनली राजकुमारी रानी के साथ ओके हो चुका है रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग लगभग अप्रैल या मई महीने से शुरू हो जाएगा 2020 की, और ये फिल्म 2021 की फर्स्ट हाफ में रिलीज हो सकते है फिल्म मेकर की चाहत मुताबिक। इस फिल्म की कास्ट और जो सब्जेक्ट है वो तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन लगभग हर कोई एसआर के फैंस से उम्मीद कर रहा है। जो राजकुमारी रानी की फिल्म होने वाले है वो फैमिली कॉन्टेंट फिल्म होने वाले हैं, और ये बहुत ही बड़ा फिल्म होगा। ये तो मैं पहले ही बताया था कि राजकुमारी रानी की फिल्म बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है, लार्जर देन लाइफ होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम भी लगता है, इसीलिए फिल्म 2021 में रिलीज होने की बात हो रहा है। अब देखते हैं ये रिपोर्ट्स की बातें कब सच होता है और शाहरुख सर और राजकुमारी रानी मिलके कब प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर देते हैं हम लोगों के लिए।